पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहां एक पल में सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, तो एक पल में ही सैकड़ों जिंदगियां दहशतगर्दी की भेंट चढ़ जाती हैं। हालांकि ये मुमकिन है कि कई बार ये बातें दुनिया को पता नहीं चलती और कई बार सालों बाद खुलासा होता है, जब अचानक खबरों से लाशें निकलती हैं। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के दर्रा आदमखेल में हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का एक ऐसा शहर जहां हरी सब्जियों की तरह बिकती हैं बंदूकें, AK-47 जैसी घातक राइफल हो या फिर विदेशी आधुनिक पिस्टल, हर कुछ सरेआम मिलता है। यहां ना सिर्फ बंदूकें बल्कि ड्रग्स भी खुलेआम बिकते हैं। ये शहर है दर्रा आदमखेल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा का ये ऐसा शहर है जिसके नाम से ही लोग आतंक की मंडी का अंदाजा लगा लेते हैं। पेशावर से कुछ दूरी पर बसा दर्रा आदमखेल एक बार फिर पूरी दुनिया में सुर्खियों में, लेकिन ना तो बंदूकों की मंडियों के लिए, ना ही पिस्टल के लिए और ना ही ड्रग्स के लिए। ये शहर जो पहाड़ों से घिरा है, अब की बार लाशें उगल रहा है। यहाँ सामूहिक कब्र से एक दो नहीं 16 लाशें मिली, गुमनाम लाशें। हम आपको वहीं की कॉफिन दिखा रहे हैं जिसमें कब्रों से निकाली गई हड्डियां रखी। हालांकि अब इन गुमनाम लाशों की कहानी सामने आ गई। सांगला कोल माइंस एसोसिएशन के मुताबिक ये उन 16 बदकिस्मत मजदूरों की लाशें हैं जो कोयले के खान से 2011 में अगवा किए गए थे, लेकिन दहशतगर्दी के चंगुल से भागने में नाकामयाब रहे और बेमौत मारे गए। बाद में इन्हीं पहाड़ों में इन्हें दफना दिया गया। अब इनकी लाशें सामने आई। हालांकि 9 साल पहले 16 बदकिस्मत मजदूरों के साथ ही 16 मजदूर खुशकिस्मत भी थे जो मौत के शिकंजे से निकलने में सफल रहे और जान बचाकर भाग गए। सभी मजदूर खैबर पख्तूनवा के सांगला जिले के ही रहने वाले हैं। खबर है कि इन पहाड़ों में ऐसी कई लाशें और दफन हो सकती है। फिलहाल इनका अता पता नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जो है पाकिस्तान में, मगर यहाँ पाकिस्तान का कानून नहीं चलता, बस चलती हैं तो बंदूकें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।